अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को एक ईमेल सेंड की होगी जिसमें इन्होंने FIA के टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जिस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले ने लिखा हुआ है रिटन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ FIA हैज़ बीन शेड्यूल्ड प्रिंट योर एडमिट कार्ड है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका दिया है कि वो FIA का टेस्ट हमारे एग्ज़ाम में आके दें। ठीक है, इससे पहले ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब आती है, हम उसमें अप्लाई करते हैं, फीस जमा करवाते हैं, फिर हमारा नाम आता है, फिर हम जाकर टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ीस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से हम लोग FIA का टेस्ट देंगे। कहाँ पे? वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर में। अब सेंटर क्या है, जिस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका जो कैंपस है, अकॉर्डिंग टू योर सेंटर ही अप्लाई होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखें, यहाँ लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, आर अटेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही शेड्यूल्ड फ्रॉम Monday December 13, 2021। ठीक है, तो इसमें टेस्ट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। किस तरीके से होगा? वही टेस्ट होगा जो आप एग्जाम में आप लोग टेस्ट देते हैं ना, कि MCQs होते हैं, उसमें टाइम चल रहा होता है, एज इट इज सेम टेस्ट होगा। ये अभी बात करते हैं आगे जाके, इसमें लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, असिस्टेंट है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट है। अब इसमें से कौन सा टेस्ट है ये डिपेंड करते हैं हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें कौन सा मौके दिए हैं। तो उसको द एप्लीकेशन मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द फॉलोइंग लिंक। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया है, इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, यहीं से हम रजिस्टर करेंगे और यहीं से हमारा एडमिट कार्ड प्रिंट होगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें बोलना है कि आप लिंक को विजिट कीजिए, दोनों लिंक सेम है, और इस पर अपना NAC आएगा, वो आपने डालना है विदाउट डैशेस के, और एक वेरिफिकेशन पिन आएगी, तो आपने वो डालनी है, और आपको एक ईमेल या नंबर पे आपको वो कोड आ जाएगा। तो आपने फिर वो कोड ड्रेस पे डालना है, फिर आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, फिर आपने इसको प्रिंट करना है, और फिर जब आपका टेस्ट होगा वो आपको लेके आना है। तो रिकॉर्ड दिया हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ FIA। ठीक है, तो FIA के बिहाफ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट ले रही है। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ सबको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करें। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ दे रहा है कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका NIC नंबर होना चाहिए। इसमें आपने NIC नंबर ये मैं डाल देता हूँ, तो इसमें सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेरे एक वेरीफिकेशन कोड आ गया आपके नंबर पर, आपके ई मेल पर आएगा, तो वो आपने यहाँ डाल देना है। ठीक है, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, टाइम लेगा ये 30 सेकंड, 1 मिनट टाइम लेते हैं, आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ टाइम, इस टाइम के अंदर अंदर आपने वेरिफिकेशन कोड डालना है। ये ना क्या लिखा हुआ, पिन इस 448 5 6, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। डालने को जैसे ही मैंने इस पर एंटर स्लिप पर क्लिक किया, तो आप देखें इस तरीके से ये पिक्चर आ गई है, और ये देखें ये नाम आ गया, NIC नंबर आ गया, स्टूडेंट ID आ गया, पासपोर्ट आ गया, इवन की लोकेशन भी आ गया। आप लोकेशन कौन सी, मेरा जो सेंटर है, ठीक है, ये उसी की लोकेशन दे देगा। अगर आपको चेक करना हो आपकी लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ क्लिक करें, तो ये आपको एक गूगल मैप पे ले जाएगा। तो जो मेरा सेंटर है ये वहीं पे ले गया है। ठीक है, ये सेंटर तो वहीं पे ले गया, जहाँ मेरा एडमिशन है उसी सेंटर पे ले गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का भी यही होगा। तो आप जैसा कि ईमेल पे आपने देखा था कि यहाँ पर मैंशन किया हुआ था कि यहाँ पर जो है LDC UDC स्टेनोटाइपिस्ट असिस्टेंट कॉन्स्टेबल ड्राइवर और इंस्पेक्टर वगैरह, इसे ये ढेर सारे टेस्ट है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे यहाँ पे दो शो किए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी फील्ड में इन्होंने देने के लिए मौका दिया है, कि ये FIA का टेस्ट है, ठीक है, LDC UDC दो टेस्ट में इन्होंने मुझे अप्लाई करने का मौका दिया। डेट जो है वो सेम है, 15 December 2021, और टाइमिंग जो है वो 8:30 और 10, यानी एक टेस्ट मेरे 8:30 बजे है, और मेरे ख्याल से माइट भी 1 घंटे का टेस्ट हो गया, मेंशन नहीं किया हुआ, और उसके बात ही 8:30, 9:30 बजे जो है ये दूसरा टेस्ट है मेरा। तो आइए प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे मेरी डिटेल दे दी है ना, FIA रिक्वायरमेंट टेस्ट एडमिट कार्ड, प्लीज़ प्रिंट दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद ओरिजिनल CNSC। जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल CNSC साथ होना चाहिए, जिससे वो आपका वेरीफाई करेंगे। और डोर विल बी क्लोज 15 मिनट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट होते ही 15 मिनट बाद आपका डोर क्लोज हो जाएंगे। जैसे कि आपका एग्जाम होता है ना, 15 मिनट बाद आपका पेपर लेट नहीं शॉर्ट हो जाता है, और आप पेपर नहीं दे पाते, एक तरीके से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेम है, NIC नंबर है, फादर नेम है, लॉगिन ID है, पासपोर्ट है, जिस तरीके से एडमिट कार्ड होता है हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वैसे ही। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखिए देखें पोस्ट ईमेल में आप लोग को ढेर सारी पोस्ट दी गई थी। ठीक है, इनमें से मुझे 2 के लिए अप्लाई करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को क्या दिया। मैंने LDC दी है, UDC लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क।
इससे पहले भी मैं ये टोर टेस्ट दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो में जाके अगर देखा हो तो मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैंने खुद अप्लाई किया तो खुद नाम आ गया। जैसे कि ये देख सकते हैं, GIP जॉब लोड निकला स्टीनोटाइपिस। और इससे पहले भी मैंने जॉब अप्लाई की थी काफ़ी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अप्लाई की थी और ये देखें अपलोडेशन क्लर्क में। तो ये मैं जॉब पहले दे चुका हूँ, जो टेस्ट का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा जो आपने अगर इन लोगों को टेस्ट प्रिपेयर करनी है तो ये वीडियोस हैं, इसमें मैंने कुछ MCQ सॉल्व भी किए हैं, तो आप ये तीनों वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं इस पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई, स्टार्ट टाइमिंग लिखी हुई, टेस्ट एक्सपेक्टेड MCQ भी थोड़ा दिया हुआ है। आपके जो टेस्ट होगा वो MCQ बेस होगा, ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल होते हैं। और जिस तरीके से आपके मिड टर्म में और फाइनल मिड टर्म में MCQ आते हैं वैसे ही होंगे। इसके अंदर चार ऑप्शन होंगे, वो आपने क्लिक करना होगा। सेम टू सेम वीडियो के बटन से होगा। लोग आगे इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ रिपोर्ट एट द टेस्ट सेंटर, वो जिस तरीके से हमारे बच्चों यूनिवर्सिटी के एग्जाम शीट में लिखा होता है कि 30 मिनट पहले आइए आप, ठीक है। तो आपका टेस्ट कंप्यूटर पर होगा और फेस मास्क आपका अलाउ होना चाहिए। तो विदाउट फेस मास्क आप अलाउ नहीं होंगे। द कैंडिडेट अपना ओरिजिनल CNSC और नादरा का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आएगा साथ, ठीक है। डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में इन्होंने पैसे पहले कहा था लेकिन इसने चेक इन बैलेंस नहीं किया था इसका, तो आप देखना अगर आपके पास है तो ले आइएगा, वरना फिर एटलीस्ट इसकी पिक्चर ही लेके आ जाएगा। पिक्चर भी वो अलाउ कर देते हैं। खैर ये डिपेंड करता है आपके सेंटर में, लेकिन इन्होंने यहाँ मांगा है, ठीक है। फिलहाल इन्होंने ये चीज़ यहाँ मांगी है। अब चलते हैं आगे, कैंडिडेट में टेम्परेचर के बारे में क्या क्या कहा गया कि उसका टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए, वरना वो अलाउ नहीं होगा। और मोबाइल फ़ोन्स, लाइट डिवाइस, बुक वॉलेट्स, इस ये स्ट्रिक्टली मना है, ये टेस्ट में अलाउ नहीं होंगी, ठीक है। यू शुड प्रोवाइड ब्लू और ब्लैक पेन टू यूज़ फॉर रेफर। जैसे कि MCQs आते हैं, कुछ मैथ्स वगैरह के भी MCQs होते हैं, जैसे कि जिसमें लॉजिक्स होती हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप ब्लैक या ब्लू पेन ला सकते हैं फॉर रेफर के लिए। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन, ठीक है। अब मैं आप लोगों का एक सवाल इसमें लोकेशन के हवाले से, तो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया कि आप लोगों का लोकेशन चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से मेरा बाय डिफॉल्ट जो कैंपस था, आप लोगों का जो भी बाय डिफॉल्ट कैंपस होगा, ये उसी लोकेशन पे आपका टेस्ट मैनेज कर देगा, यानी आपने वहीं पर जाकर टेस्ट देना होगा। लिखा हुआ नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन, ठीक है। तो आप जितनी भी रिक्वेस्ट कर लें वो आपका सेंटर चेंज नहीं करेंगे। बाकी इसके अलावा आप अगर जो रिक्वेस्ट करना चाहें तो उनके इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी लिखा हुआ ब्रिंगिंग आर्म्स, एमिनेशन, एक्सप्लोजर मटीरियल, सेंटर से। इसके अलावा जो खतरनाक आइटम वगैरह हैं उन्होंने मना किया लाने के लिए। और नो रे विल बी एडमिशन फॉर फ्री टेस्ट, इसके अलावा नो TADA विल बी एडमिशन फॉर फ्री। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो द कैंडिडेट मे विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर द टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑडिशन। और अगर आप लोग को मालूम नहीं टेस्ट किस तरीके से आएगा, पहली बार आप लिस्ट में अगर नए हैं एडमिशन लिया है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आप कोई भी क्वेरी इसके बारे से मालूम करनी है, तो यहाँ पे आपको लिखी है vts@vu.edu.pk, इस ईमेल पर आप कर सकते हैं मेल। इसके अलावा हम इस पर डेमो चेक कर लेते हैं। तो डेमो चेक क्लिक करेंगे तो ये आपको बोला क्लिक स्टार्ट डेमो, क्लिक हियर टू व्यू द यूज़र गाइड फॉर। हम इसकी PDF खोलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट डेमो के लिए आप लोगों को बोल रहे कि आप लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोर होना चाहिए, ठीक है। तो PDF काफ़ी इतना ज़रूरी नहीं है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग कहते हैं, अपना स्टूडेंट ID डालेंगे, पासपोर्ट डालेंगे, ये इंस्ट्रक्शन आई भी होंगी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 60 मिनट, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे का हमारा पेपर होगा। यहाँ लिखा हुआ है समझाने के दिए भी इतनी खास है नहीं। अब देखें यहाँ चले जाएँ, देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ 60 मिनट का टाइम है, आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। देखिए पूरा वो दिया हुआ है, यहाँ टेस्ट कोर्स दिया हुआ है, MCQ दिए हुए, ये दिए हुए। तो पूरा मेरे ख्याल से आई थिंक वही पैटर्न है। अगर उन्होंने ये PDF सेंड किया तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से यही MCQs फॉलो होंगे। आप देखें 4 में से ऑप्शन क्लिक करना है, फिर आपने सेव करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देखें 1 से लेकर 26 दिए हुए, और बकॉल यहाँ पे इतने मेंशन नहीं किया हुआ कि MCQs कितने हैं, टाइम कितने हैं, लेकिन इस PDF को देख के अंदाज़ा यही हो रहा है जो उन्होंने लिंक में दिया हुआ है कि MCQs आपके ऐसे ही होंगे, और टाइम आपका मिनिमम 1 घंटा होगा, और माइट भी 100 MCQs। सो आई थिंक जिसके वजह से बच्चे यूनिवर्सिटी को उन्होंने बुलाया है, तो शायद ही 100 MCQs हो, माइट भी 50-60 हों, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अमूमन टेस्ट में जो हम स्टैको टेस्ट होते हैं उसमें 100 MCQs होते हैं। तो अगर आप ये देखें, अगर आपने से पहले गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया हो तो आप, और ये बाकी ये मेरी 3 वीडियोस हैं, इनमें मैंने MS Word के आंसर आपको शेयर किए हैं। तो इस तरीके से अमूमन इसमें MCQs के आंसर आ जाते हैं। अमूमन इसके अंदर जो आप लोग के सवाल आते हैं वो होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के आपके पास इसके सवाल आते हैं। और इसके अलावा जनरल नॉलेज आते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह के सवाल आते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 से 5 सब्जेक्ट के MCQs आते हैं, यानी 20-20 MCQs आते हैं, टोटल 100 MCQs होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे नहीं पता कि इस टेस्ट में क्या आएगा। फिलहाल तो ये थी वीडियो कि फ़र्स्ट टाइम अभी तक मुझे ये 3 साल हो चुका है, तो इसमें ये टेस्ट FIA की तरफ से
फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। तो वैसे मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बच्चे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो खासतौर पर देखने के बच्चे यूनिवर्सिटी कुछ इतना खास प्रोवाइड नहीं करती। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। हालांकि मेरा जॉब का भी इशू होता है, लेकिन ये टेस्ट ज़रूरी है आप दें। आपको आता हो या नहीं आता हो टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि समटाइम लक भी काम आ जाती है, ठीक है। तो ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये टेस्ट अप्लाई करते हैं अमूमन तो 800 से 1000 रुपये ज़ाया इसी चीज़ पे फॉर्म को अप्लाई करने में, प्रिंट करवाने में ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। और 150 बच्चे अप्लाई करते हैं तो 90 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी आपको अपने बिहाफ पे एडमिशन का मौका दे रही है, तो आप स्ट्रेस को जाके डच उठाएं, और ये मौके बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये टेस्ट ज़रूर जाके फिल करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, और जो भी इसका रिजल्ट आए वो इंशाल्लाह फिर वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो FIA के बारे में, बच्चे यूनिवर्सिटी बिहार फॉर FIA। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद है कैंडिडेट्स को लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।